हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज अपन बात करेंगे BGMI बैन के रिगार्डिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। BGMI बैन, जहाँ देखो वहाँ BGMI बैन। आर्टिकल छाप रहे हैं बंदे कि इस पे 69A लग चुका है, इस रीज़न की वजह से बैन हुआ है। पबजी भी इसी रीज़न की वजह से बैन हुआ है। तो आइए उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ 69A होता क्या है। जैसे कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आती है, जैसे कि क्राफ्टन आया, तो वो इंडिया के कुछ रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं कि जो बाहर की कंपनी वो उसको फॉलो करें। तो कुछ चीज़ें जो रहती है कि क्राफ्टन शायद तक फॉलो नहीं कर पाया, उसके कारण ये 69A लगाया गया है, जो कि अभी सिर्फ टेम्प्रेरी सिर्फ हटाया है, टेम्प्रेरी बैन है मेरे ख्याल से। जहाँ देखो अभी बड़े से बड़े स्ट्रीमर का कहना है ये भी है कि टेम्प्रेरी बैन है, अभी कोई बैन नहीं हुआ है, गेम सिर्फ रिमूव करा गया। और ना सबसे पहली बात की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है। और सब बोल रहे हैं सर्वर डाउन, ऐसा होता तो सर्वर डाउन होने में कोई 2 या 3 दिन का टाइम नहीं लगता है भाई, 1 घंटे या 2 घंटे में सर्वर पूरे डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जब पहले पबजी को बैन करा था तो आपको पता है उसके साथ 49 एप्लीकेशन और थी जो कि लिस्ट बन के आई थी। बाकी इस बार जब इसको रिमूव करा तो ऐसी कोई सी लिस्ट नहीं आई है। और सबसे पहली बात तो ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया कि गेम बैन हो चुका है, ठीक है। मीटिंग में भी यही बात होगी कि जिसके तहत 69A लगाया है वो क्राफ्टन सॉल्व कर देगा, और गेम जो भी रिमूव हुआ है वो वापस से शायद तक अपन को 3 4 दिन में देखने को मिल जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 12 दिन में, ठीक है। और गेम बैन नहीं है, होप है कि जल्द से जल्द गेम अपना वापस आएगा और वापस से अपन वैसा ही खेलेंगे जैसा पहले गेम खेलते थे। और बस जो भी है ये फेक न्यूज़ से बचिए आप, और बाकी की जो भी न्यूज़ आएगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कोई भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता है, तो प्लीज़ वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूँ तो प्लीज़ लाइक और 1 सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।